दोस्तों, जो इतने दिनों से बातें चर्चाओं में थी, वो चर्चाएं अब सच हो गई है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने कर लिए सगाई। पहली तस्वीरों में एक दूसरे की बाहों में नजर आया ये कपल। दोस्तों, एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने 13 मई को सगाई कर ली है। उनकी सगाई दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई, जिसे फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। सगाई के बाद दोनों की तस्वीरें अब सामने आई है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि सगाई के मौके पर जिस तरह बांद्रा में परिणीति के घर को सजाया गया है, उसी तरह दिल्ली में राघव के आवास को भी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। बहुत सारे सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियन तक उनकी सगाई में आए। प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनकी सगाई में पहुंचे। सगाई के मौके पर सजे धजे होने वाले दूल्हे और दुल्हन काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे, और उन्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि एक पॉलिटिशियन है और एक एक्ट्रेस है। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही सेम बैच के हैं और सेम जगह से आए हैं। दोस्तों, राघव परिणीति शनिवार को नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में रिंग शेयर किया है इन्होंने। कार्यक्रम की शुरुआत सिखों की पारंपरिक प्रार्थना अरदास से हुई, तो भजन गायन होने के बाद गुरुद्वारे का रुख भी किया गया। दोस्तों, जो काफी दिनों से चर्चाएं थी इन दोनों के कपल, काफी जगह देखा गया था। जो पंजाब में आईपीएल मैच खेला गया था, तो स्टेडियम में भी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दिखाई दिए थे। तो ये चीजें काफी टाइम से चल रही थी, तो ये फाइनली अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है। इन लोगों ने सगाई कर ली है, अब इन्होंने अपने पेज पे भी डालना स्टार्ट कर दिया है। और इस पार्टी में और इस जो सगाई का माहौल था, इसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, पार्टी के जितने भी आम आदमी पार्टी के मेंबर थे, सब आए थे। क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अहम सदस्य हैं, वो पंजाब से एमपी भी हैं और यहाँ पे दिल्ली का भार भी संभालते हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कि जब से पार्टी स्टार्ट हुए, तब से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का जो नाता है ना, ये कोई नया नहीं है, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। कई बॉलीवुड स्टार ने पॉलिटिशियन से शादी करी है, तो बहुत चीजें ये पहले से चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। और कर्नाटका के रिजल्ट आने के बाद ही इन्होंने सगाई कर ली। इसमें भी कुछ बातें पता नहीं चलती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने बिजी शेड्यूल में भी इन लोगों ने ऐसा निकाला। आप लोगों का क्या है कहना इस पूरे मैटर में, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।